हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज बताने वाला हूँ J7 का ऐप पर अनलॉक करने से अनफॉर्चुनेटली जो मार रहा है उसको कैसे सॉल्व करें। तो फ्रेंड्स देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, ये J7 है, इसको जो है ऐप हाईजेकर से ऐप अनलॉक करने से इसका जो है अनफॉर्चुनेटली दिखा रहा है वो आज मैं सॉल्व करूँगा। तो ये J7 है, अभी ऑन करते हैं, देख लेते हैं ऑन करके। और बहुत ही ईजी है इसको ये करना। देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, किसी भी तरह से इसका सेटिंग जाना होगा, तभी जा करके देख सकते हैं। यहाँ सेटिंग में गए और फिर ये बारी बारी अनफॉर्चुनेटली मारेगा, तो हम सेटिंग में जाएंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे सेटिंग में गए और जाने के बाद जो है ना अबाउट में जाना पड़ेगा। तो एक बार जो है ना इसका हम ये कर देते हैं, क्योंकि इसका मेमोरी जो है ना मर्ज हो जाता है, इसका जो फोन मेमोरी है मर्ज हो जाता है, जिसके कारण ये अनफॉर्चुनेटली होता है। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, सेटिंग में जा करके एक बार स्क्रीन ऑफ करते हैं, इसको स्क्रीन ऑन करते हैं, फिर से जाएंगे सेटिंग में और इसका जो अनफॉर्चुनेटली है इसको ओके करते हैं बार बार। और किसी भी तरह से इसका अबाउट में जा करके डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा, तब जा करके हार्ड रिसेट होगा ये। बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जाने के लिए वहाँ पे। तो इसका एक और उपाय है, हम इसका जो है ना सिस्टम से मिरेकल से हार्ड रिसेट मार देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। तो हम करते हैं मिरेकल से इसको हार्ड रिसेट, मिरेकल को ओपनिंग, पर सैमसंग का ये फ़ोन को कनेक्ट करेंगे। ये ऐपर पे अनलॉक करने के बाद जो है ना ये जो है इसका स्टोरेज जो है मर्ज हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मारेगा, जैसे सेटिंग में क्लिक करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आएगा, देख सकते हैं ये बार बार आता है, तो जिसके कारण काम नहीं होता है। इसको हम कंप्यूटर में मिरेकल ओपन करके इसका सैमसंग में क्लिक करके देख सकते हैं स्कैन कर लेंगे, और यहाँ पर जो फैक्ट्री रिसेट है इसमें क्लिक करके इसको फैक्ट्री रिसेट मार लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको अलाउ कर लेते हैं, तो अलाउ कर दिए, तो इसका अब टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर फैक्ट्री रिसेट मार देंगे तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अलाउ हो चुका है, हम डेवलपर ऑप्शन अलाउ कर देंगे, तो अब ये फॉर्मेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मेट में क्लिक करेंगे सिस्टम में, और ये फ़ोन फॉर्मेट होगा। देख सकते हैं यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली है यहाँ पर नीचे में जो लिखा हुआ है फॉर्मेट, तो जब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक ये फॉर्मेट होगा। तो फॉर्मेट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट कंप्लीट होने के बाद सेट बंद होकर चालू होगा। तो देख सकते हैं ये सेट जो है ऑफ हो चुका है, अब मेरा सेट ऑफ हो रहा है, ऑफ होगा तो ऑन होगा, तो कुछ टाइम थोड़ा देर टाइम तो लगेगा ही ऑन होने में। देख सकते हैं ये इरेज हो रहा है, समय लगेगा ये जो है। तब तक वेट कर लेते हैं। मेरा मोबाइल बहुत मोबाइल कर रहे हैं जी। हाँ मोबाइल अपने जी।
फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो फ़ोन जो है प्रोसेस में इंस्टॉल एप्लीकेशन हो रहा है। अब हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कितना देर में इंस्टॉल हो जाता है कंप्लीट। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये कम्प्लीटली ये ऑन हो चुका है और जो भी मेरा व्यूवर्स है आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये जो मतलब ऑप्शन आ गया है तो समझ लीजिए कि इसमें आप कोई एफर किया है नहीं और इसको हम इजीली सेटअप कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हम सेटअप कर लिए तो जो भी मतलब कोई भी टूल से इसको एपर पे अनलॉक करने से वही होता है जो मतलब अनफॉर्चुनेटली आ जाता है। तो बाईपास आप कोई भी इसे कर लीजिए उसके बाद जो है फॉर्मेट कर लीजिए। आपको अगर इस मिरेकल का लिंक चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली मिल जाएगा आपको। और ये तो बहुत ही इजीली हो जाता है कोई भी ऐप से, जैसे कि एपर पे हाईजेकर से भी करते हैं। अभी तो बहुत सारा टूल आ गया है, क्रैक टूल आ गया है, तो देख सकते हैं ये इजीली हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।